हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है इससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपका ये वीडियो देखना बड़ा ही ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा अगर आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो। दिस इज़ रिम्पी अग्रवाल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ आरजी क्लासेस एवरीवन नोज। तो आज अपने डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहला मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो एंड द सेकेंड वन इज आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं, ये हमारा है सब्जेक्टिव केस में। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करवाई थी, रिमेंबर? यस, दैट इज आई मी माय ही हिज हिम, याद कराए थे मैंने आपको, नोट कराए थे। यानी जो आई है हमारा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, होते फर्स्ट पर्सन है हमारा, आई बी मी बी माई बी, ये तीनों हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है यानी एक्यूजेटिव केस है, एंड द थर्ड वन इज़ पॉजेसिव केस है। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर, तीनों ही चीज़ें हमारी फर्स्ट पर्सन के अंदर होती है, बट जो केसेज है वे हमारे अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। बड़ा ईजी है, बड़ा सिंपल है। आप मेरी वीडियो को पोस्ट कीजिए, आप इनके आंसर्स नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, एंड देन प्ले द वीडियो एंड देन यू चेक द आंसर्स। अगर आपके आंसर्स ठीक है देन योर कंसेप्ट इज़ क्लियर, अगर आपके आंसर्स ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो को रिप्ले कीजिए, बार बार देखिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं ऑलवेज़ रेडी हूँ आपके क्वेश्चंस की आंसर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देखिए इसके अंदर आपको फोर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि हम पर्संस को कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मेन फोकस रहेगा वह सब्जेक्ट पे रहेगा। पहले आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को, पहले आपको वे चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, देख लिया आपने क्वेश्चन, अब आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, देन अपने आंसर्स को देखिए, नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, फिर आप देखिएगा आपके आंसर्स कितने ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक है। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए आंसर्स, आई थिंक आप सभी के हो गए। चलिए अब हम आंसर्स को चेक करते हैं। आई सैड, सैड को कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम सैड का सैड ही रहने देंगे। हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लिख देंगे, डैट लिख देंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हम हमेशा देखेंगे कि जो पर्सन है वे फर्स्ट है, सेकेंड है या फिर थर्ड है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर ये देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन्स को चेंज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए फर्स्ट पर्सन है आई, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा है आई, तो हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे पहली बार, ठीक है। यहाँ पर हमारा आई जो है, यहाँ पर भी हमारा आई है और सब्जेक्ट भी हमारा आई है, तो यानी दोनों चीज़ें हमारी सेम है, तो हम यहाँ पर आई का आई रहने देंगे। हैव डन, हैव डन हमारा, इससे आप ये देखिए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट सेम रहेगा बट बस टाइम पीरियड होगा वे चेंज हो जाएगा। तो हमने जब उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया तो हमारा आई हैड डन हो गया। यहाँ पर देखिए माई जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट पोजेसिव केस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी आई है, दोनों चीज़ें हमारी सेम है, यानी फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे भी सब्जेक्ट में और यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने माई का माई रहने दिया। देन होमवर्क क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यू सैड, आगे कोई ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा रिपोर्टिंग वर्ब में, देन हम यहाँ पर सैड का सैड ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लिखेंगे। अब देखिए आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा यू है यानी सेकंड पर्सन है, तो अब हम फर्स्ट पर्सन को जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या रह जाएगा, आई हमारा सब्जेक्टिव केस पे है तो यू भी हम किस पे लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस पे लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि आई जो है हमारा उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, पहली बात, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में क्या गिवन है, यू, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो जब हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा आई जिस पोजीशन पे होगा, जिस भी केस पे होगा, उसी केस पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। हैड डन यानी ये हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यू हैड डन एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखिए
माई जो है हमारा ये पॉजेसिव केस पे है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू यूअर्स यूअर्स। अब थर्ड देखिए आई मी माई यू यूअर्स यूअर्स। अगर हम माई को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूअर्स आ जाएगा, यूअर होमवर्क। आपने जब लास्ट वीडियो देखेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट देखिए द डॉक्टर सैड वी आर ट्राइंग टू सेव हिम। ठीक है, डॉक्टर सैड एज इट इज़ कैज इट इज़ रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट लिख देंगे। अब वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, डॉक्टर हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। हमने यहाँ पर ही लिख दिया, गलत नहीं होगा। आप शी भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जब वी हमारा सब्जेक्टिव केस पे है तो जब उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। आर ट्राइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को चेंज करके लिखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, दैट इज़ दैट ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हिम हमारा है थर्ड पर्सन, ही हिज हिम। थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज लेके नहीं आते, आपको मालूम है, इसलिए हम उसको एज इट इज़ का एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट देखिए द पोइट सेट, द पोइट सेट इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, डैट कंजक्शन का यूज़ किया। पोइट हमारा ही, पोइट हमारा यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर हमने आई को कन्वर्ट करके ही लिख दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा ही है तो हमने आई की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया। हैव रिटर्न हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, यानी हैव रिटर्न अ न्यू पॉइंट। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए आपके कितने ठीक है कितने गलत है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वापस में वीडियो को देख कर अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड नॉट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।